सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अम्बेडकर चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक रात को तेज बारिश हो रही है। विजयदशमी के दिन जब रावण दहन होता है यानी कल यस्टरडे, तेज बारिश अचानक शाम को हो गई और कई घंटे तक होती रही, जिसके चलते ज़्यादातर शहर में जो रावण दहन कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर स्थापित रावण को जल समाधि इंद्र देवता ने दे दी। आधा अधूरा लोग जला पाए, जिनमें रामनगर भी शामिल था और कई जगह शामिल थे। नवचंडी प्रांगण में जलने वाले रावण दहन की बात करें तो कल वहाँ नहीं दहन हो पाया था, आज वहाँ रावण दहन हुआ। और केसर सिटी में भी पहली बार के प्रयास में शानदार तरीके से रावण दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस बार जो खासियत थी वह यह थी कि भले ही छोटा रावण बनाया गया, गली मोहल्ले में भी रावण बनाए गए। और क्योंकि रावण छोटे थे तो ऐसे में पन्नी समय पर लोगों ने ढक दी, उनके रावण बड़े बड़े रावण के मुकाबले बेहतर जले। और यही जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये भी रावण दहन का है। गाँव में भी कुछ इसी तरीके के नज़ारे थे, कई के रावण ने जल समाधि ले ली तो कई ने अग्नि समाधि, जिन्हें मौका मिला उन्होंने अग्नि समाधि में रावण को भेजा। श्री राम जी के बाणों का इंतजार करते हुए रावण को आज श्री राम जी के बाण से मोक्ष मिला और दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुल मिलाकर इस बार जो रावण दहन का कार्यक्रम है उसे बारिश ने फीका कर दिया, लेकिन जिस तरीके से गांव-गांव, गली-गली, शहर की वार्ड-वार्ड में रावण दहन कार्यक्रम हुआ और बारिश होने के बावजूद भी लोग पहुंचे, इससे एक बात तो प्रतीत होती है कि खंडवा में विजयदशमी के दिन रावण दहन कार्यक्रम को लेकर लोगों का उत्साह में कोई कमी नहीं है। बारिश भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं ला पाई, जब जिसे मौका मिला उसने रावण दहन कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि कई माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए रावण बनाए और उन्हें उनकी खुशी के लिए आज दहन किया, कईयों ने कल किया। कुल मिलाकर खंडवा ने रावण दहन का कार्यक्रम सेलिब्रेट जरूर किया, भले ही बारिश क्यों ना आई हो। रामनगर के वासी, राम एक प्यार, एक आस्था का नाम है और राम जी का नाम आप जितने प्रेम से, जितनी शांति से, जितनी मधुरता से लेंगे उतना ही आपको भी आनंद आएगा और राम जी को भी आनंद आएगा। तो मैं तो हमेशा राम जी का नाम बड़े सम्मान से लेता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। इसमें बड़ा आनंद आता है। रामनगर और माता चौक मेरा घर आंगन है, यहाँ के सारे लोग मेरे परिचित हैं, मेरे अपने लोग हैं।
मैं कोई भी नेता तो हूं नहीं कि यहाँ पर आकर अपने सामाजिक कार्यक्रम में भाषण दूं। आज का एक वाक्य हुआ, शाम को 6 बजे के लगभग की बात है, 6 बजे जोर से थोड़ी हवा आंधी आई तो मैंने बाबू भाई को फोन किया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है बाबू भाई, तो वो बोले भाई सब ठीक होगा बोले। फिर उसके बाद में बारिश चालू हो गई तो मैंने तो रावण जी से बात करी। मैंने बोला भाई रावण जी आज क्या है, तो बोले भैया आप देश में बोले मैंने तो एक अपराध किया था तो उसकी आज तक की अपना सजा आर भुगत रहा हूँ, पर देश में तो इतने अपराध हो रहे हैं कि मेरे को भी अब शर्म आ रही है, अब मैं पानी में जो है डूब के यार मरना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे भी निवेदन करा कि भैया वो तो ठीक है आप डूब मरना, पर हमारे बाबू भाई और जो उनकी टीम है उन्होंने जो इतनी मेहनत करी है तो आपको उनके लिए तो जलना पड़ेगा। तो फिर भैया रावण जी बोला भैया बाबू भाई और इनकी टीम के सामने तो मेरे को भी जो है झुकना पड़ेगा। इसी के साथ हम सब हर्ष और उल्लास से हमारा रावण दहन का त्यौहार मना। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। और यहाँ पर नव चेतना संगठन की शानदार शानदार टीम को मैं बहुत बहुत इस शानदार कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा खंडवा।